हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे मंडे को जब हमारी मार्केट ओपन होगी तो हम उस मार्केट को कैसे लॉजिकली अप्रोच करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह दो पार्ट में ये वीडियो डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल मार्केट के बारे में एंड सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल मार्केट को अगर हम देखें तो डाउ जोन्स कल फ्राइडे को 90 पॉइंट्स पॉजिटिव और नैसडेक 183 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई थी। सारी इंडेक्सेस यूएस की रिकॉर्ड हाई पे बंद हुई है। और अगर आप यूके का मार्केट देखोगे तो वो भी आपको पॉजिटिव टेरिटरी में ही नज़र आएगा। तो ग्लोबल मार्केट्स लगातार अपने हाईज को बना रही हैं। तो ग्लोबली तो हमें कोई भी कंसर्न है नहीं। थर्सडे शाम को हमारे जीडीपी का डाटा आया था जो बहुत ब्लास्टिंग आया था, और उस डाटा के कारण हमने फ्राइडे नया ऑल टाइम हाई लगाया। आज जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था उसमें भी हमने नया ऑल टाइम हाई ही हिट किया है। अगर हम देखें तो आज जो निफ्टी है 39 पॉइंट पॉजिटिव और बैंक निफ्टी 10 पॉइंट पॉजिटिव। तो एक स्पेशल सेशन था जस्ट फॉर चेकिंग जो भी अल्टरनेट वेबसाइट है उसको, डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो ऐसी कोई वॉलिडिटी नहीं थी, थोड़ा बहुत बस मूव था। बस ये कि हमने रिकॉर्ड हाई लगाया है और रिकॉर्ड हाईज पे क्लोजिंग भी है। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी लगातार हायर हाई एंड हायर लोस की फॉर्मेशन बना रही है और बड़ी स्ट्रांगली आगे ट्रेवल कर रही है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कहीं से कहीं तक वीक नहीं है। एवरी डिप हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, बैंक निफ्टी भी अब तो हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। जब से एच डी एफ सी बैंक वाला जो भी फॉल आया था उसके बाद से बैंक निफ्टी भी अब स्टेबली आगे बढ़ रही है। अभी एच डी एफ सी बैंक उतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, फिर भी रिबाउंड हो रही है। अगर एच डी एफ सी बैंक कॉन्ट्रीब्यूशन पे आया फिर तो बैंक निफ्टी बड़ी जल्दी अपना ऑल टाइम हाई लगा लेगी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर दोनों का ही स्ट्रांग है, कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। हर डिप एक ट्रेडर को, इन्वेस्टर को बाइंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर हम मंडे के लिए डिस्कशन करें तो सबसे पहले जो लेवल्स हैं ये स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो। अब सवाल आएगा ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लेनी है, कब जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली आउट द मनी ले सकते हो, ठीक है, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप कोई बिगनर हो, आपको ये नहीं पता कि 13 EMA क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, तो इन दोनों पे हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट है 22, 22114 से 150 का जोन और 22250। रेसिस्टेंस है 22500, 750 से 800 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो 22850 के और पुट सेलर 21750 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल की मार्केट में, सॉरी मंडे की मार्केट में लॉजिकली ट्रेड करने के लिए। बेटर विजुलाइजेशन के लिए एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आज आई है 373 के अराउंड। अगर आप देखोगे तो पूरा जितना भी स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था उसमें ये 400 को रसिस कर रही थी। तो 400 का ही लेवल है, तो इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। और जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे, टारगेट हमारा 500 एंड 600 हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग नीचे आए, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे तो टारगेट हमारे 250 और 108 से 150 का एक जोन आ रहा है वो हो जाएंगे। इस एनालिसिस में आप ओआई के डाटा को और एड ऑन कर सकते हो अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए। तो ये थी हम कौन सी स्ट्राइक लेनी है, टारगेट क्या होगा। अब रह गया स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, और स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। अल्टीमेटली ट्रेड हमें प्रीमियम में करनी होती है, तो प्रीमियम के टर्म्स में अगर हम देखें तो 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं हम कॉल के केस में भी एज वेल एज पुट के केस में भी। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप होती है, सॉरी ये मैं मेंशन करना भूल गया, तो ये हमारा पहला केस है कि निफ्टी अगर मंडे को गैप अप ओपन होती है तो उसको कैसे डील करना है। अब दूसरा केस हो सकता है कि निफ्टी फ्लैट ओपन हो, जहाँ पर क्लोज हुई है वहीं कहीं पर ओपन हो जाए। तो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है अगर आप देखोगे तो वो आई है अराउंड 378 पे,
तो यानी 370 के 8 के आसपास ही निफ्टी कहीं ओपन हो जाए तो 22400 का एक लेवल ऊपर आ रहा है और 250 का एक लेवल नीचे आ रहा है, तो इनके कहीं बीच में ओपन होगी। 250 का लेवल काफ़ी नीचे है, 400 का लेवल फिर भी पास है, तो अगर इसको ब्रेक करती है और सस्टेन करती है तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 500 एंड 600 हमारे टारगेट होंगे, और यहाँ पर आए कोई बेरिश कैंडल बनाए तो हम पुट बाय करेंगे। 250 और 108 से 150 का एक जोन आ रहा है वो हमारा टारगेट होगा। 250 का लेवल काफ़ी नीचे आ रहा है तो हम 13 EMA का यूज़ करके इसे रिफाइन कर सकते हैं अपनी एंट्रीज को। तो ये था फ्लैट का केस। थर्ड केस है गैप डाउन का। गैप डाउन में अगेन 250 का लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन होती है बट क्लोजिंग नीचे देते हैं। एक कैंडल सस्टेन करें तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 118 से 150 का जोन हमारा फर्स्ट और 22000 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। और इस लेवल पे आए 250 में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए तो हम कॉल कोई भी बाइंग सिग्नल दे तो हम कॉल बाय करेंगे। 400 और 500 हमारे टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि निफ्टी अगर मंडे को गैप अप गैप डाउन या फ्लैट कुछ भी खुले तो उसको हमें कैसे लॉजिकली डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड इंडेक्स की तरफ जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 500 से 595 का जोन और 47000, रेसिस्टेंस है 47500 और 48000 का जोन। ऑप्शन सेलर या ऑप्शन बायर आप दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुलाइजेशन के लिए हम क्या कर लेते हैं एक बार चार्ट में इन लेवल्स को देख लेते हैं। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रहा हूँ बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इंट्राडे एंट्रीज और मैं इंट्राडे में 15 मिनट प्रेफर करता हूँ। तो गैप अप, पहले गैप अप का केस देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी फ्राइडे को जो डाटा आया GDP का उसके बाद काफ़ी स्ट्रांग नज़र आने लग गई है। बैंक निफ्टी का एक अल्टीमेट लेवल आ रहा है 47500 का, और जिस तरह से स्ट्रांगनेस है मार्केट में मंडे ये टेस्ट आउट होना चाहिए। इसके ऊपर नीचे कहीं भी खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 600 एंड 750 हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो टारगेट हमारा 200 से 250 का जोन फर्स्ट और 47000 हमारा सेकेंड हो जाएगा। तो ये था गैप अप के केस को कैसे डील करना है, कैसे उसमें हैंडल करना है। उसमें हमने स्ट्राइक डिस्कस कर ली, टारगेट डिस्कस कर लिए, जो रह गया वो स्टॉप लॉस रह गया। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में हम बात करें तो हम इसके 50 पॉइंट्स नीचे लगा 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी, अगर गैप अप हो तो उसे कैसे हैंडल करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट में अगर हम देखें तो जो लेवल आ रहा है मार्केट क्लोज हुई है 47294 समथिंग पे, तो मार्केट हमारी 47297 पे बेसिकली क्लोज हुई है। तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा है 250 का, जिसे आज पूरे सेशन में बचाया भी है बैंक निफ्टी ने। तो इसको अगर ब्रेक करती है, सस्टेन करती है फ्लैट ओपन होने के बाद तो पुट बाई करेंगे। 147000 हमारे टारगेट होंगे, और इस पे आए बाइंग सिग्नल बनाया तो ज़रूर कॉल बाय करनी चाहिए जस्ट आउट द मनी वाली। 47400 एंड 500 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं थर्ड केस की तरफ जो है गैप डाउन का। अब हम गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन के केस में कोई बड़ा गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी तो ना के बराबर ही नज़र आ रही है। तो 47250 को हम कंसिडर करेंगे, तो इसके ऊपर नीचे कहीं भी खुले लेट से क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे। 47147000 हमारे टारगेट होंगे, और अगर नीचे खुलने के बाद क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 400 एंड 500 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था कि अगर मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अगर गैप अप गैप डाउन या फ्लैट कैसे भी खुले तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं थर्ड अपनी लास्ट इंडेक्स की तरफ जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 500, 589 से 600 का जोन और 750, रेजिस्टेंस है 21000 और 250 से 300 का जोन। ऑप्शन बायर हो आप सेलर हो दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे रहे। तो ये था हमारी मंडे के मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ ये डिस्कशन
आपके कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को, अपने डिस्कशन को एंड करते, और एक हमेशा की तरह सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग, तो हमेशा लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ 100% चांसेस नहीं होते, वो किसी के साथ भी नहीं होते, बट मैक्सिमम चांस हो जाते हैं। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले, मार्केट में सिंगल रुपी लगाने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। विदाउट अपनी एनालिसिस कोई भी ट्रेड ना लें, किसी टिप टेलीग्राम चैनल शॉर्टकट के भरोसे ना रहें। ज्वाइन करते हैं, थैंक यू वेरी मच।